महोबा के पुलिस लाइन में भारत के सबसे पहले गृह मंत्री और भारत की सबसे ज्यादा रियासतों को एक करने वाले रौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर शपथ समारोह और विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें सीजीएम और डीएम एसपी सहित सैकड़ों पुलिस कर्मियों ने शिरकत की। मैं सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता अखंडता भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं ये शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा अपना योगदान करने का भी सत्य निष्ठा से जय हिंद। इस कार्यक्रम के दौरान डीएम सहदेव कुमार ने सरदार पटेल के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज पूरा देश एकता के लिए दौड़ रहा है। इसके अलावा उन्होंने सभी से अपील करते हुए कहा कि देश की एकता और अखंडता बनाए रखने से सभी योगदान दें। वहीं पुलिस अधीक्षक कुंवर अनूप सिंह ने सरदार पटेल को देश का लौह पुरुष बताते हुए कहा कि ऐसे महापुरुष को नमन करते हुए गर्व महसूस होता है। साथ ही लोगों से अपील भी की कि भारत के निर्माण और विकास के लिए सभी को सरदार पटेल जैसी सोच व जज्बा रखना चाहिए। पटेल जी की जयंती पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया गया है महोबा पुलिस के द्वारा, और इसमें बढ़ चढ़ कर लोगों ने, जनप्रतिनिधियों ने, प्रशासनिक लोगों ने, पुलिस कर्मियों ने, सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर प्रतिभाग किया। और आज के दिन जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जीवनी से हमें सीख मिलती है, उसके बारे में हम सभी ने उनसे ग्रहण किया, उनके विचारों को फिर से याद किया और आगे के लिए प्रेरणा बनाई कि जिस प्रकार से एकता और यूनिटी के वो प्रतीक हैं, उसी प्रकार से हम लोग भी लगातार अपना कर्म करते हुए। Thank you.